नमस्कार दोस्तों, हेल्पफुल चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको कुंडली में एक योग बताऊंगा, से आपको पता चले कि आपका वाहन कब मिलेगा। हम जानते हैं कि हर एक ग्रह की एक मूल कलाएं होती हैं, जो कि इस वीडियो में मैंने इसमें आपको दिखाया है। जरा देखिए, सूर्य की 30, मंगल की 6, गुरु की 10, शनि की 1, चंद्रमा की 16, बुध 8, शुक्र 11, राहु केतु 0 है। हम जानते हैं कि वाहन का कारक फोर्थ हाउस होता है, और फोर्थ हाउस होता है वाहन को, हम देखते हैं कि वाहन की प्राप्ति हम फोर्थ हाउस से देखते हैं, और वाहन का कारक होता है शुक्र। ठीक है, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि हमें कब वाहन प्राप्त होगा, कब हमारे पास अच्छा वाहन मिलेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फोर्थ हाउस में कौन सी राशि है। यहाँ पे 11 नंबर लिखा है, यानी कि कुंभ राशि हो गई। कुंभ राशि का मालिक कौन है? शनि। ठीक, तो शनि की कला हम देख लेते हैं। यहाँ हमने शनि की कला 1 है, 1 लिख लिया। शुक्र की कला कितनी होती है? 11, वो लिख लिया। और चतुर्थ भाव में बैठे ग्रह की दशा, अगर यहाँ पे कोई ग्रह बैठा है तो उसकी जरूर कला लिख लेंगे। यहाँ पे कोई ग्रह नहीं बैठा है, इसलिए हम यहाँ पे कोई कला नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो चतुर्थ भाव में बैठे ग्रह की कला, तो यहाँ जी कुछ नहीं है, तो नन जीरो हो जाएगा। और चतुर्थ भाव को देखने की ग्रह की कला, अगर चतुर्थ भाव को देखिए और कोई तो ग्रह तो नहीं देख रहा है, हम जरा चेक कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3 और कोई ग्रह नहीं देख रहा है, सिर्फ शुक्र के अलावा और कोई ग्रह नहीं देख रहा है, इसलिए हम शुक्र की कला फिर से लिख लेते हैं। तो शुक्र की कला ये हमने लिख ली है, 11 होती है। ठीक है, अब इन सभी कलाओं का हम योग कर लेते हैं। 1, देखिए मैंने योग किया है, 1 11 11 प्लस 23। अब क्या करते हैं, क्योंकि कुंडली में पूरे 12 भाग होते हैं, इसलिए 12 से इसको डिवाइड कर दिया हमने, तो यहाँ पे 1 टाइम्स गया और रिमेन 11 बचा। ठीक है, अब यह 11 हो गया, तो अब हम क्या करते हैं, हमें वाहन कैसे मिलेगा, किसकी दशा में मिलेगा, वो हम देखने के लिए हम चंद्रमा की राशि, चंद्रमा जहाँ बैठा था, जिस राशि से मैं बैठा होता उस राशि से उसका जितना रिमाइंडर आया है उतना भाग गिनते हैं, क्योंकि यहाँ पे 11 शेष है, इसलिए हम चंद्रमा की राशि यहाँ पे देखिए, चंद्रमा वृषभ, शुक्र वृषभ राशि में बैठा है, वृषभ राशि से हम यहाँ गिनना चालू करते हैं। कितने भाग? 11 भाग। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये 12 नंबर आ रहा है। 12 नंबर में क्या है, 12 नंबर लिखा है और यहाँ पे शनि बैठा है, यानी कि 12 नंबर होता है मीन राशि। मीन राशि का स्वामी होता है बृहस्पति, बृहस्पति। तो अब हमें वाहन मिलेगा बृहस्पति की, जब महादशा आएगी, बृहस्पति की महादशा आएगा, उसमें शनि का प्रत्यंतर होगा, तब हमें वाहन की प्राप्ति होगी, उच्च वाहन की प्राप्ति होगी। धन्यवाद दोस्तों, आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ बिल्कुल इसको सब्सक्राइब करिए। मैं ही ज्योतिष पे और अच्छे अच्छे आपको और टॉपिकों पे वीडियो दिखाता रहूँगा। हेल्पफुल चैनल को देखने के लिए धन्यवाद, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।